तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू बिटबस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है, लेकिन साथ ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी वो खुद ही है। हम बात कर रहे हैं सेंट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग हीरो की ओरिजिन स्टोरी को छोटे से इंट्रो के बाद। सेंट्री की कहानी शुरू होती है रॉबर्ट रेनल्ड से, जो एक आम इंसान है। रॉबर्ट की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। उसकी लाइफ कुछ खास नहीं थी। वो एक डिप्रेस्ड और कंफ्यूज्ड इंसान था जो अपनी लाइफ में कोई मकसद नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन तभी एक गलती उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। रॉबर्ट एक पुराने सीक्रेट गवर्नमेंट लैब में चला जाता है, जहां उसे एक सीरम मिलता है। जी हां, ये सीरम वही फॉर्मूला था जिसे पहले कैप्टन अमेरिका को बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर और भी ज्यादा पावर थी। रॉबर्ट बिना सोच समझ के उस सीरम को इंजेक्ट कर लेता है और उसके बाद जो होता है उससे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बींग जन्म लेता है। जैसे ही सीरम उसकी बॉडी में मिक्स होता है, रॉबर्ट की बॉडी और दिमाग पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है और उसका नाम सेंट्री होता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट और इनवल्नरेबिलिटी जैसे पावर्स आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेंट्री की पावर 1 मिलियन सन्स की पावर के बराबर है। जरा सोचिए, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये। सेंट्री अपनी पावर्स का यूज करके दुनिया को कई सुपर विलन से बचाता है। सभी सुपर हीरोज जैसे अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर उसकी पावर्स को मानते हैं, लेकिन जितना बड़ा हीरो वो है उतना ही बड़ा एक खतरा भी है, उसके अंदर का दी वॉइड। वॉइड सेंट्री के अंदर छुपी हुई एक ब्लैक पावर है। जैसे ही सेंट्री अपनी पावर का ज्यादा यूज करता है, वॉइड और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो डिस्ट्रक्शन का साइन है। ये सेंट्री का अपना अंदर का दुश्मन है, जिसे काबू में रखना रॉबर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सेंट्री की अपनी लड़ाई खुद के साथ है। जब भी वो दुनिया को बचाता है, वॉइड भी बाहर आने लगता है। कई बार तो सेंट्री को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि वॉइड को रोक सके। ये कहानी एक हीरो की नहीं बल्कि एक आदमी की है जो अपनी अंदर की डार्कनेस से लड़ाई करता है। तो ये थी मार्वल के सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी, एक ऐसे हीरो की कहानी जो दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो है लेकिन अपनी खुद की पावर्स का बोझ भी उठाता है। क्या आपको लगता है सेंट्री अपने अंदर के वॉइड को कभी हमेशा के लिए हरा पाएगा, या फिर ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ करते रहेंगे? तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।